हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। आप लोग देख रहे हैं जनरल स्टडी के ऊपर बेस्ड ये वीडियो बनाया जा रहा है। इससे संबंधित और भी वीडियो बनाए जा चुके हैं। अगर आप लोग उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उन सारे वीडियो का लिंक देख सकते हैं, या फिर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर उन सारे वीडियो को देखिए स्टूडेंट्स, जो ज़रूरी आप लोग को पसंद आएगा और आपको ज़रूर से एग्ज़ाम में ये हेल्प करेगा। उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने भी लोग एग्ज़ाम कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सेलेक्टेड क्वेश्चन का यहाँ पे स्टूडेंट्स कलेक्शन है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस सीरीज़ को। ये इस वीडियो का तीसरा पार्ट है स्टूडेंट्स, इसका दो पार्ट अपलोड किया जा चुका है। देखिए, उस महाद्वीप का नाम बताइए जिसमें टुंड्रा प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है। तो टुंड्रा प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है किसमें? अफ्रीका में। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस सागर में स्थित है? तो ये कोरल सागर में। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बरवा। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नामचा बरवा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि तेल नदी किसे कहा जाता है? तेल नदी कहा जाता है नाइजर को। नाइजर नदी जो होती है इसे तेल नदी कहते हैं। अगला है, अफ्रीका में आसवान बांध द्वारा बनाई गई झील है नसीर। आसवान बांध द्वारा बनाई गई झील नसीर है। नेक्स्ट है, डेथ वैली किस देश में स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है डेथ वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय पार की नदियां हैं सतलज सिंधु ब्रह्मपुत्र हैं हिमालय पार की नदियाँ। अगला है स्टूडेंट्स, निम्न में से कौन सी झील अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा पर स्थित है? विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, महान विभाजक श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? महान विभाजक श्रेणी ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की क्या विशेषता है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की विशेषता यह है कि यहाँ पर अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला है, हिमालय से इसमें स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? तो हिमालय के स्थान पर, यहाँ पर ये गलत है, तो कौन सा सागर हिमालय के स्थान पर विद्यमान था? तो टैथिस सागर, ये यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। हिमालय के स्थान पर टैथिस सागर विद्यमान था। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में ज्वालामुखी विस्फोटों से निम्न में से क्या बना है? दक्षिण पठार। ज्वालामुखी विस्फोटों से भारत में दक्षिण पठार बना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख बनाती है? एस्चुरी। ज्वारन द मुख को एस्चुरी भी कहते हैं। तो कौन सी नदी ये एस्चुरी बनाती है? तो नर्मदा नदी। ऑप्शन डी यहाँ पे दिया गया है, नर्मदा नदी ये एस्चुरी बनाती है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा क्या कौन सा होगा? ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ओके, ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है ये होगा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। एक स्टूडेंट्स क्वेश्चन है कि सतपुड़ा पर्वत का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो सतपुड़ा पर्वत जो है ये ताप्ती और किस नदी के बीच विभाजक का कार्य करता है? तो सतपुड़ा पर्वत जो है ये आपका ताप्ती और नर्मदा नदी, ठीक है, और नर्मदा नदी के बीच वो विभाजक का कार्य करता है। तो वो भी हो जाएगा आप लोगों का अगला क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। सतपुड़ा पर्वत ताप्ती और नर्मदा नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है? बांग्लादेश में गंगा का नाम है पद्मा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का अधिकांश न्यूज़ प्रिंट अखबारी कागज निम्नलिखित में से कहाँ से आता है? विश्व का स्टूडेंट्स पूछा है, इसको ध्यान दीजिएगा कि विश्व का अधिकांश न्यूज़ प्रिंट यानी अखबारी कागज कहाँ से आता है?
तो ये आता है शंकुवृक्षी वन से। विश्व का अधिकांश न्यूज़ प्रिंटिंग पेपर जो होता है, अखबारी कागज, वो शंकुवृक्षी वन से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को, ज्वालामुखी पर्वत श्रेणी मुख्य रूप से पाई जाती है। तो ज्वालामुखी पर्वत श्रेणी ये मुख्य रूप से आपका प्रशांत महासागर में पाई जाती है। ऑप्शन ए विल द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इन चारों में से कौन सी पर्वतमाला यूरोप को एशिया से अलग करती है? तो यूरॉल पर्वत श्रृंखला, यूरॉल पर्वत श्रृंखला जो है ये यूरोप को एशिया से, यूरोप को एशिया से अलग करती है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है स्टूडेंट्स ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम, सबसे बड़े मरुस्थल का नाम है एशिया के गोबी मरुस्थल। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि यूरोप को किस नाम से और जाना जाता है? तो यूरोप को और हम किस नाम से जानते हैं? तो प्राय द्वीपों का द्वीप, ओके, प्राय द्वीपों का द्वीप जो है नाम से यहाँ पर हम यूरोप को जानते हैं, ठीक है। यानी यूरोप को हम और भी किस नाम से जानते हैं? तो इसको प्राय द्वीपों के द्वीप नाम से भी जानते हैं। इसमें स्टूडेंट्स पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जल डमरुद्ध, ये आपका डमरुद्ध इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच स्थित है, कौन सा जल डमरुद्ध? तो मलक्का की संधि ऑप्शन दो है जो सेकंड वाला, ये जल डमरुद्ध इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच स्थित है, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच। अगला है, कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप में नहीं है? तो हिंद कुश पर्वत श्रृंखला ये यूरोप में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसे पृथ्वी का शीत ध्रुव कहा जाता है? तो पृथ्वी का शीत ध्रुव कहा जाता है बर्खोम्यास्क को, पृथ्वी का शीत ध्रुव कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे ज़्यादा लवणता किसकी है? तो सबसे ज़्यादा लवणता इसमें ऑप्शन बी वान झील की है। स्टूडेंट्स इन चारों में से ये पूछा गया है कि कौन सा एशिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है? एशिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है चीन, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। इन चारों में से पूछा है स्टूडेंट्स कि कौन सी जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से दूर अलग करती है, ओके? तो बोरिंग जल संधि है, सॉरी बेरिंग जल संधि जो है ये एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, नॉर्थ अमेरिका से अलग करती है बेरिंग जल संधि। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जनजातीय महाद्वीप भी कहा जाता है? तो अफ्रीका को जनजातीय महाद्वीप भी कहा जाता है। इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरल स्टडी के, आप जुड़े रहिए इसी चैनल से। अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो इन योर फ्रेंड्स, ओके? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग।